अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम दिया शेख हियर। कैसे हैं आप लोग? और मैं आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो। मेरा आया है एक्चुअली न्यू ब्रशेस का पार्सल और मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी इसको ओपन करने के लिए, बट मैंने कहा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आपके सामने इसको ओपन करूँ। और ये ब्रशेज हैं BH कॉस्मेटिक्स फ्रॉम USA, और मेरे पास पहले भी इस ब्रांड के काफ़ी ब्रशेज़ हैं, बट मैं एक अलग से सेट चाह रही थी जो जस्ट आपकी फाउंडेशन, ब्रॉन्जिंग एंड फेस, जो आपके फेस जो एप्लीकेशन के ब्रशेज़ हैं अदर देन आई ब्रशेज़, तो ये वो ब्रश सेट है BH का। तो अब हम इसको ओपन करते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये कैसा है। मैं भी पहले मैंने इनको नहीं देखा, जस्ट मैंने ये पिक में देख के तो ऑर्डर किए थे और ये मेरे आ गए हुए हैं पैकेज में। मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स ओपन कर ली थी, ये लास्ट एक प्रोडक्ट थी जो मैंने अभी तक ओपन नहीं की थी। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दीज न्यू ब्रशेस। देखने से बहुत अच्छे के लग रहे हैं। स्कल्प्ट एंड ब्लैंड फैन फेव्स 10 पीस ब्रश सेट BH कॉस्मेटिक स्पेशल एडिशन। मुझे इनका जो कलर है ना वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। और यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि इसमें कौन कौन से ब्रशेस हैं और किस पर्पज़ के लिए हैं, मेड इन है बताया हुआ, क्वालिटी बताई हुई है। ओके, प्लस इस पे उन्होंने बारकोड मेंशन किया हुआ है जहाँ से आपको आइडिया होता है दीज आर ओरिजिनल ब्रशेस। आई एम वेरी एक्साइटेड इनको देखने का, मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं देखूँ ये कैसे हैं। वाओ, दे आर सो 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 ब्यूटीफुल, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा ज़बरदस्त। वाओ, द कलर इज अमेजिंग ब्यूटिफुल। वाओ, इनका कलर बहुत ही ब्यूटिफुल है, बहुत मज़े का पिंक, बल्कि पिक्चर में जो कलर था उससे भी ज़्यादा रियल में इनका कलर बहुत ब्यूटिफुल है। ओके, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है और ये दिस इज़ अ कम्प्लीट सेट फॉर बेस। आप बहुत मज़े की बेस बनेगी इनसे, आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज़ देम। अब हम इनके जो ब्रिसल्स की क्वालिटी देख लेते हैं और हम सबसे पहले, वाओ, ये जो कॉन्टोर का ब्रश था ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था इस तरह की शेप में। बहुत मज़े की शेप है इसकी, ब्रिसल्स वेरी सॉफ्ट एंड फ्लफी। अच्छा, BH के ब्रशेस की ये क्वालिटी है कि इनको आप जितनी मर्जी दफ़ा वॉश करें ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे। मैंने कुछ लोकल ब्रांड्स के बाय किए थे यहाँ पे एंड कुछ डिफरेंट ब्रांड्स के, पर वो आफ्टर वॉश मेरे, इवन RT के ब्रशेस भी मेरे वॉशिंग के बाद उनके ब्रिसल्स निकले थे, पर BH के जब भी मैंने वॉश किए हैं ब्रशेज, मेरा एक्सपीरियंस इस ब्रांड के साथ बहुत अच्छा है। मेरे पास 3 जो हैं इसके आई सेट हैं, एक मेरे पास बेस सेट ऑलरेडी था लेकिन इस तरह वाला नहीं था, तो उनकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग है और ये मुझे उनसे भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं जो ब्रशेस मैंने पहले इनके बाय किए थे। वाओ, ये इनका फाउंडेशन ब्रश बहुत ज़बरदस्त है। वाओ, एंगल ब्रश, एंगल फ्लफी ब्रश, पाउडर ब्रश, सो स्मूथ, सो स्मूथ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। प्लस कंसीलर ब्रश, हाइलाइटर ब्रशेस, ऑल आर अमेजिंग। व्यूवर्स, मुझे इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, मेरे पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुए और इनके लिए मैंने पे किया था, इन ब्रशेस के लिए मैंने पे किया था 4500, और 4500 में ये फेस के ब्रशेस जो हैं, ये इनमें ये आई ब्रश सेट नहीं है, इनमें आईज़ का कोई ब्रश नहीं है, बट ये आपकी ब्रॉन्जिंग, कंसीलिंग, करेक्टिंग, फाउंडेशन, सेटिंग पाउडर, पाउडर अप्लाई करने के लिए, हाइलाइटर प्लस ब्रॉन्जर के लिए एक कम्प्लीट सेट है। और मैं अपनी किसी भी नेक्स्ट वीडियो में इन ब्रशेस को अप्लाई करूँगी और इनका रिजल्ट दिखाऊँगी, बट इनको देख के मैं बहुत ही हैप्पी हूँ और ये मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो वीडियोस, सॉरी। एंड देन इसका ये जो हाईलाइटिंग ब्रश है,
ये वाला, ये भी बहुत मज़े का है हाइलाइटर ब्रश। वाओ, इससे आप एक स्पेसिफिक एरिया में हाइलाइटर बहुत मज़े से अप्लाई कर सकोगे। क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। ये बफिंग ब्रश बोलते हैं इसको, ये बफिंग ब्रशेस से आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो और बहुत अच्छे से मर्ज करते हो। इनको भी आप अप्लाई कर सकते हो अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, नोज़ कंटूरिंग के लिए और स्पेसिफिक एरियाज पे। बहुत मज़े के ब्रशेस हैं। ओके व्यूवर्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी अपनी पसंद की प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। व्यूवर्स, मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।